आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जिस तरह से किसानों के हित की बात करते हैं और किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में किसानों का कुछ इस तरह का हाल है। महीनों से लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करते हैं और जब नंबर आता है तो खरीद केंद्रों पर महानुभावों द्वारा धान में कमी बताकर उनको वापस कर दिया जाता है। आपको बताते चले कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों का धान नाविक पर आने के कारण किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया है कि हम लोग कई दिनों तक लाइनों में खड़े रहते हैं फिर भी हमारी धान बिक्री में नंबर नहीं आता, जबकि माननीयों की ट्रॉलियां आती हैं और धान बिक जाता है, लेकिन हम आम किसानों की हालत बहुत खस्ता है। हमारा धान खरीद केंद्रों में नहीं लिया जाता, यहाँ जिद करने पर हमारा नंबर लगता तो है लेकिन खरीद केंद्रों के अन्य महानुभाव द्वारा धान में कमी बताकर धान की वापसी करवा दी जाती है। किसानों ने बताया कि उनका एक ट्रॉली में लाखों का माल लगा हुआ है, उनके साल भर के खून पसीने की कमाई है जो इस बारिश में भीग रही है। अन्य मवेशी बोरियों को फाड़कर उसे खा रहे हैं। कई आला अधिकारी आते हैं और अपना अपना पल्ला झाड़कर चले जाते हैं। अधिकारियों के जाते ही खरीद केंद्र के कुर्सी फरोश कर्मचारी अपनी मनमानी करने लगते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नितेश कुमार। कौन से गाँव से आए हुए हैं? बिलगांव। बिलगांव से कब के आए हुए हैं धान बेचने के लिए? 26 तारीख के आए हुए हैं। 26 तारीख आपको 15 दिन लमसम हो गया? 15 दिन हो गया। ये बताइए आपके धान की खरीद क्यों नहीं हो रही यहाँ पे? यहाँ नई नई ट्रालियाँ तौली जाती हैं। नई ट्रालियाँ जो अभी हाल आती जा रही हैं, हाल तौली जा रही हैं। आप लोग खड़े हैं तो आप लोग की सुनवाई नहीं है? सुनवाई है। तो क्या दिक्कत है कि आपके लोग की सुनवाई नहीं होती? वो अपने मन का करते हैं, अगर कहते हैं ज्यादा तो कहते हैं तुम्हारा धान नहीं सही, लाओ चलो खड़े करो। अच्छा, खड़ी कर दिया तौलने लगे, कहते थे धान तुम्हारा सही नहीं। अच्छा, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय जो फसलें इस समय खेतों में खड़ी है उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? वो सब खराब हो रही है। वो बराबर खराब हो रही है? बराबर खराब हो रही है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान देव। कहाँ से आए हैं? जारी से। कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं धान बिक्री के लिए? 29 तारीख से। हाँ, 10 दिन से ऊपर हो गए आपको। क्यों, आपका धान क्यों नहीं खरीदा जा रहा? अब ये धान धांधागर्दी करते हैं, व्यापारियों का खरीदते हैं दुनिया भर कर रहा, और नई नई ट्राली प्रेशर में कोई मंत्री का कोई नेता का प्रेशर आ जाता है तो उसकी तो लेते हैं, हम खड़े रहते हैं। मतलब आम आदमी का धान नहीं खरीदा जाता और जो माननीय के धान आते हैं उनके खरीदे जाते हैं? हाँ, आप लोग के नहीं खरीदे जाते? हाँ। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर आप लोग लेके आते हैं आप अपना निजी लाए हैं या किसी का किराया? आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।